हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी थोड़ा लेट हो गया वीडियो, बट जैसे कहते हैं ना, हमारी कहावत है, देर आए पर दुरुस्त आए। मैं हूं क्लास 7th के रेशन नंबर के आपके फोर्थ पार्ट के साथ। आज हम थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट अस गो टू द क्वेश्चंस। सो मल्टीप्लाई बेसिकली है क्या? देखो, ये रेशन नंबर है बट वी ऑलरेडी डन इन अ फ्रैक्शन एज वेल। ठीक है, ये बात अलग है, ये हम मल्टीप्लाई में सीख रहे हैं, बट क्या ये चीज हमने करी नहीं थी फ्रैक्शन में? तो वैसा ही है कुछ, आपको बस देखना है कि ये क्या करना है। तो 4/9 बाय का मतलब मल्टीप्लाई लगाएंगे एंड 5/7। इफ देयर एनीथिंग जो कट सकता है तो प्लीज बेटा आप उसको कट करिए, और अगर वो नहीं हो पा रहा तो आप उसको छोड़ दीजिए। जैसे यहां पे देखो, 4 7 से नहीं कट सकता, 9 से नहीं कट सकता, 9 5 और 4 से नहीं कट सकता, तो ठीक है। तो 4 5 20 upon 9 7 63, तो वी जस्ट लेफ्ट आवर आंसर लाइक दिस ओनली। कट सकता है, देर इज अ सिंप्लीफिकेशन, यस यू हैव टू डू इट। ठीक है, तो इस वाले को दिखाता हूं, -7/10 × 5/8। सो देखिए, 5 और 10 कट सकता है, 5 5 5 10। वी हैव टू वेरी केयरफुल विद द साइंस। 7 7 माइनस, यहां कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 8 16, तो दिस विल बी योर साइन। ठीक है, 11/12 × -8/15। ठीक है, अगर कट सकता है काटो, नहीं कट रहा छोड़ दो। तो देखो, 4 2 4 3, ठीक है, 2 और 15 नहीं कट सकते, 3 और 11 नहीं कट सकते, आपस में कोई भी नहीं कट रहा। 2 × 12 = 22 − 3 × 15 = 45। होपफुली समझ में आ रहा हो किस तरीके से करना है। ठीक है, वेरी गुड। सो −9/30 × 65/-3। देखो, माइनस से माइनस काट दो, और 3 × 3 3 3 9, 30 × 13 35 × 65, 5 × 15। अब देखो, कई बच्चे 15/1 लिखते हैं, बेटा विच इज इक्वल टू 15/1 इज नॉट वेरी मच काइंड ऑफ अ मैंडेटरी थिंग, वो वैसे ही है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 विच इज एक्सैक्टली लाइक द क्वेश्चन नंबर 1, बट इसमें करना क्या है हमें? इसमें कुछ नहीं, राइट साइड में सिर्फ एक नंबर दे रखा है। ऐसा क्यों देते हैं? क्योंकि देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ना क्वेश्चन कभी कभार ऐसा बोलता है, 2/3 of a number, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही है एक तरीके से। तो यहां पे मुझे वही यूज करना सिखाना है, −9/16 × 60। ठीक है, आप चाहो तो काट सकते हो, ठीक है, बट 65 90 होता तो ये नहीं कटेगा, तो आप क्या करो, 2 से काटो, 30 8 जा, अभी और कर सकता बिल्कुल, 15 और 4 जा, अब नहीं कर सकता मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 9 × 15 कितना होता है आपका, 135 माइनस का अपॉन में क्या डिनोमिनेटर, 4। यू कैन लीव योर आंसर इन अ मिक्स फ्रैक्शन और अ फ्रैक्शन, फाइन, कोई भी गलत नहीं बोलेगा आपको। −9/7 × −14। अब देखो, 7 − 7 7 2 = 14, तो 9 2 कितना होता है, 18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो प्लस 18 लिख दो, या सिर्फ 18 ही आंसर छोड़ दो, मींस द सेम थिंग। नेक्स्ट वन, 28/-9 × −27, माइनस माइनस, 9 × 9 और 9 3 = 27। ठीक है, और 3 4 2 6 8, 84 इज योर आंसर, और लास्ट में ये वाला होगा, −48 × 17/16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हम सबको पता है 16 3 = 48। ठीक है, और ये 51। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा, एंड बच्चों आई रियली मिस यू गाइस, आई रियली मिस यू। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड मेक यू मोर इंटेलिजेंट एंड मेक यू फार स्मार्टर गेट्स। ठीक है, वो आपको बहुत बुद्धि दे, समझ दे कि आप अपने फील्ड में जो आप चाहते हैं तरक्की पाए। सो ये सारी आशीष तो दे दी, ब्लेसिंग्स, बट उसके लिए थोड़ा पढ़ाई भी होना चाहिए, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी मल्टीप्लीकेशन करना, और ये काफी हद तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है। अब करना क्या है, अब देख लेते हैं कि अगर न्यूमरेटर में से कोई भी डिनोमिनेटर को कट कर रहा है तो कट कर दो, या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कट हो रहा है तो कट कर दो। जैसे 7/35 कट हो रहा है, काट दो, 7 7
सेवन फाइव या थर्टी फाइव। अब ये दोनों थ्री से हो सकते हैं, थ्री टू या थ्री थ्री जा तो काट सकते हो। ऊपर जा थ्री और फाइव, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, दैट कम्स फिफ्टीन अपॉन वन टू और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिखना नहीं होता, तो यू कैन राइट इट एज फिफ्टीन अपॉन टू। किसी का मन में आ रहा है सर मैं तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना मांगूंगा ऐसे कि टू जाए फोर्टीन प्लस वन करोगे, बिल्कुल आप लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। सेवन से कट करो, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, सेवन फोर जा ट्वेंटी एट, ठीक है। अब थर्टीन के टेबल से देखते हैं, थर्टीन थ्री जा नहीं ट्वेंटी थ्री के टेबल, सॉरी ट्वेंटी थ्री थ्री जा देखो ट्वेंटी थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री टू जा सिक्स और ट्वेंटी थ्री फाइव जा कितना होगा, फाइव थ्री फिफ्टीन वन थ्री फाइव इलेवन, तो ट्वेंटी थ्री के टेबल से पूरा कट रहा है, ठीक है। तो ट्वेंटी थ्री थ्री जा ट्वेंटी थ्री फाइव जा, ठीक, सिंपल एक्सपीरियंस से आया, काफी करे क्वेश्चन तब आ रहा है। फाइव सेवन जा थर्टी फाइव, अगेन माइनस माइनस प्लस, फोर थ्री जा ट्वेल्व, कट सकता तो काट देते, ठीक है, ओके। इसे देखो फिफ्टीन के टेबल में वन जीरो फाइव आता है नहीं आता, ठीक, चलो मानते हैं अभी उसे हटा दो, फाइव थ्री फिफ्टीन, फाइव टू टेन वन, अब तो कट समझ आ रहा है, थ्री वन थ्री, थ्री सेवन ट्वेंटी वन, ठीक है। कंफ्यूजन हो कोई बात नहीं, छोटे टेबल से भी आप काट के चेक कर सकते हो, ऐसे कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होने वाला कि भैया ये तो हमें आता ही नहीं था, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, गुड। फोर्टीन सेवन जा, ठीक है, नहीं फोर्टीन सिक्स जा, देखो ना फोर्टीन सिक्स जा, नहीं 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 नहीं, फोर थ्री, चलो टू से काटते हैं, सेवन फाइव और सिक्स, ठीक है, तो टू सेवन जा फोर्टीन, फाइव जा सिक्स जा सेवन एट जा, एट जा तो फोर्टीन एट जा, ठीक है, एट अपॉन सेवन, और ये माइनस यहां है, एक माइनस यहां, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल करो तो पॉजिटिव आंसर, ठीक है, समझ में आया ये चीज, गुड। अब देखो माइनस माइनस पॉजिटिव बनाएगा इसे, क्योंकि दो ही माइनस है इसके पास, बाकी अब काटा पिटी, नाइनटीन वन जो नाइनटीन, नाइनटीन टू जो थर्टी एट, सबसे पहले तो बड़ा बड़ा काट दो, ठीक है, फाइव वन जो फाइव, फाइव नाइन जो फोर्टी फाइव, ठीक है, थ्री वन जो थ्री, थ्री थ्री जो नाइन, और काटा पिटी करनी है बस, अब ये बचा है, थ्री इंटू थर्टी नाइन कितना होगा, एट थ्री, थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन, टू गया थ्री टू जो थ्री, थ्री नाइन वन वन अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में सिर्फ टू बचा है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फोर का सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखो इसमें ये बोर्ड मास जैसा ही है कुछ, यहां मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करना पड़ेगा फिर एडिशन, बोर्ड मास से पता है ना आपको रूल क्या होता है कि पहले आपका मल्टीप्लाई फिर एडिशन, तो काट काट लेते हैं, नाइन वन जाए नाइन, नाइन टू जाए एटीन और थ्री वन जाए थ्री, थ्री टू जाए सिक्स, तो पहले जो कट सकता है वो काटो, तो देखो यहां वन बचा, वन इंटू इलेवन इलेवन माइनस का और अपॉन में टू रह जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले तो ये कर लो, वन एट फाइव जा फाइव, फोर टू जा एट, अब टू और एट का ये आप लोगों को पहले भी सीखा होगा, टू और एट का एलसीएम क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है क्योंकि ये इसका मल्टीपल है, जो बड़ा नंबर होगा दैट शुड बी द एलसीएम, तो एट एलसीएम आ गया, टू के टेबल में एट कब आता है, टू के टेबल में एट आता है आपका फोर, फोर इंटू दिस माइनस फोर्टी फोर, माइनस एट के टेबल में एट कब आता है, वन जा वन फाइव, तो ये आया माइनस फोर्टी नाइन अपॉन एट, ठीक है। यू कैन लीव योर आंसर इन अ फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, माइनस माइनस था इसलिए ऐड हुआ और साइन माइनस के रहेगा, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और बाकी सारे मैं भी करता हूं, ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर के दो पार्ट और रह गए थे, उन दोनों को करते हैं, देन इसके बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, रेसिप्रोकल क्या होता है, तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर पे फोकस करते हैं, उसका सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो यहां पे पिछले वाले में ब्रैकेट नहीं था, तो यहां बहुत क्लियर मेंशन है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एंड देन बीच में जो माइनस है इसको सॉल्व करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल कि आप जो कट कर सकता कट कर दो, तो थ्री वन जो थ्री और थ्री थ्री जो नाइन, तो ये मेरे ख्याल से कट हो रहा है, तो ट्वेंटी सिक्स बाय ट्वेंटी ट्वेंटी वन आ जाएगा, ठीक है, माइनस इधर देखिए, इधर कुछ कट सकता है बिल्कुल, टू वन जो टू और सेवन, तो सेवन थ्री है, यहां भी ट्वेंटी वन आया एलसीएम और ब्रैकेट में रखना, और वन इंटू थ्री माइनस थर्टी, ओके। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अब ध्यान से देखो ट्वेंटी सिक्स अपॉन ट्वेंटी वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब देखो
दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड कर दो, तो डायरेक्ट 9, 3, 21 3 से कट सकता है 1 13 अपॉन 7, तो आंसर विल बी 13 अपॉन 7। होपफुली समझ में आया होगा, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड कि भाई आ ये क्या हो गया, ठीक है। सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये वाला, इसमें भी ब्रैकेट्स हैं तो क्यों ना ब्रैकेट सॉल्व कर लें, तो 3 2 4, तो 2 से 4 कट सकता है, 2 1 2 2 2 4, देखो ठीक है, ये चीज देखनी पड़ेगी आपको किससे वो टेबल से कट सकता है। 3 2 6, तो -6 अपॉन 5 प्लस ब्रैकेट में ये कट सकता है 3 1 3 3 3 9, 5 1 5 5 2 10, 2 3 6 -6 अपॉन 1, ठीक है माइनस, और इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो 3 अपॉन 8, ठीक है। अब कोई भी एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि सारे के सारे अलग है, तो क्यों ना इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 40, एलसीएम शुड बी 40, जब आपस में कोप्राइम हो सारे नंबर्स तो सबको मल्टीप्लाई कर लो, वही होती है उनकी एलसीएम। तो 5 के टेबल में 40 कब आएगा, 5 के टेबल में 40 आएगा 8 8 6 -48, प्लस माइनस माइनस, 1 के टेबल में 40 40 40 × 6 240, माइनस प्लस माइनस, 8 के टेबल में 40 क्या होता है 5 5 3 15, ठीक है गॉट इट, समझ में आ रहा है चीजें किस तरीके से करनी है। अगर आप इसे प्लस करेंगे 3 और 1 0 3 -40, क्लियर है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीजें बहुत सिंपल है, प्लस माइनस है, आपको बस समझना है कि किस तरीके से वो चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब हाँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दीज, तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा करना, विपरीत, उल्टा। तो 6 अपॉन 23, अगर देखो रेसिप्रोकल का मतलब मैं आपको समझाऊं कि अगर मान लो 4 का रेसिप्रोकल चाहिए तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि 4 के नीचे 1 होता है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन 4। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जो भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता वहां 1 मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी फ्रैक्शन है तो ज्यादा सिंपल, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो आपका रेसिप्रोकल क्या होगा इसका, रेसिप्रोकल ऑफ 6 बाय 23 क्या होगा, 23 बाय 6, ठीक है। इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ -8, अब देखो माइनस ऊपर ही रहने देना, 1 अपॉन 8, ठीक है। माइनस कुछ बुक्स में नीचे ले रखा है बट कोई नहीं, हम डिनोमिनेटर कोई माइनस नहीं लिखते, वो हमेशा न्यूमरेटर में ही मानेंगे उसे। तो इसका क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ -10 बाय 21, तो इसको भी चेंज कर लो, -21 बाय 10। अब ये जो दो डंडे लगा दिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोड, और वी कैन से अ पॉजिटिव साइन, सो या मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं कहीं। इसमें क्या होता है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहने देता है, तो यहां नेगेटिव है तो पहले जिसे 4 अपॉन 5 करो, इसका सोल्यूशन है ये, ठीक है बेटो। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5 अपॉन 4, मैं वो स्टेटमेंट की जगह नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, वो आप लिखेंगे। अब ये है, बिना सॉल्व करे आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। तो 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 के टेबल में 15 5 5 2 10, माइनस 5 के टेबल में 15 3 3 4 12, तो -2 बाय 15 आ गया, रेसिप्रोकल क्या होगा -15 बाय 2। तो होपफुली समझ में आया रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट अभी आप इस पार्ट के बाद समझ जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लीज बच्चों मैं कह रहा हूं, जिन्होंने रेशनल नंबर के पहले पार्ट्स नहीं देखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज 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 उनको देखो, दैट विल अ ग्रेट हेल्प टू यू, ग्रेट हेल्प। आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे होंगे, आप उनकी हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो, आपके एग्जाम से पहले फिर मैं आई विल मेक अ स्मॉल स्मॉल वीडियोस एंड पुट इट, ठीक है, टू फॉर योर हेल्प। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी पहले सीखा था रेसिप्रोकल, अब हम सीखने वाले हैं डिवाइड। तो डिवाइड भी काफी होता है रेसिप्रोकल जैसा ही होता है, क्योंकि देख लो अब कैसे करना है, अब तुम समझ में आ जाएगा अभी क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। 1 जहां बाय है वहां डिवाइड लगाओगे और ये 1 बाय 8, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है 1 इंटू, और जो भी राइट साइड में फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन नहीं है एक नंबर है तो भी उसका रेसिप्रोकल, मैंने आपको नंबर का भी रेसिप्रोकल बताया और नॉर्मल फ्रैक्शन होता है उसका भी रेसिप्रोकल बताया। तो यहां पे क्या होगा 8 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आएगा, समझ में। अब 1 से 1 कटना मत, कटेगा नहीं, कोई फायदा नहीं, 1 ही 1 आएगा। तो 8 बन जाए 8 अपॉन 1, या यू कैन राइट लाइक सिंपल 8, समझ में आई बात या नहीं है। नाउ द नेक्स्ट वन वाले में क्या करना है, 8 डिवाइड
माइनस फोर अपॉन नाइन। अब देखो बुक में तो भाई माइनस नीचे भी लिख सकते हैं, बट आपको पता है माइनस नीचे नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में उसे ऊपर ले आना न्यूमरेटर में। अब एट इंटू माइनस नहीं रखो नाइन बाय फोर हो जाएगा, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, और टू नाइन जा एटीन और माइनस का, ठीक है। तो इतना ही इजी है, इतना हार्ड नहीं है ये जितना बोला जाता है। माइनस वन अपॉइंट फोर डिवाइड वन अपॉइंट ट्वेल्व, तो भाई हम सब होता है माइनस वन अपॉइंट फोर इंटू ये ट्वेल्व बाय वन हो जाएगा, फोर वन जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व। अब देखो थ्री वन जा थ्री, वन वन जा वन आएगा नीचे, ठीक है। अब ये माइनस नीचे से ऊपर भेजते हो तो माइनस थ्री लिख सकते हो आप इसे, ठीक है। ये बहुत छोटी सी बात है बट पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचाती है आपके आंसर्स को, आगे चल के यही चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और आपको वो एक मेन जो आंसर लाना है उसमें एरर आ सकता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्यों नहीं ये वाला आप होमवर्क में कर लें, ठीक है। तो दिस वन इज फॉर योर होमवर्क। नेक्स्ट वाला देखते हैं, माइनस फाइव बाय सिक्स डिवाइड माइनस वन अपॉइंट टू, तो माइनस फाइव बाय सिक्स इंटू टू को ऊपर ले आता हूं, साइन के साथ ही ला रहा हूं, ठीक है। तो टू वन जा टू, टू थ्री सिक्स। अब देखो ये माइनस दोनों है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइव वन जा फाइव और नीचे थ्री वन जा थ्री, तो फाइव पॉइंट थ्री पहला एक फ्रैक्शन में हमारा आंसर आया है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें कोई माइनस साइन नहीं है, तो सिक्सटी फाइव अपॉन ट्वेल्व डिवाइड थर्टीन अपॉन फिफ्टीन, तो सिक्सटी फाइव अपॉन ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन अपॉन थर्टीन, ठीक है। तो अब देखो दोनों थ्री से कर सकते, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, ठीक है। थर्टी वन जा थर्टीन, थर्टीन फाइव जा ये, और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, और फोर वन जा फोर, तो दिस इज योर आंसर। लास्ट वाला ये देख लेते हैं, माइनस फोर अपॉन फिफ्टीन डिवाइड माइनस एट अपॉन थ्री, तो माइनस फोर अपॉन फिफ्टीन इंटू माइनस एट अपॉन थ्री, ओ सॉरी 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 सॉरी, इंटू थ्री अपॉन माइनस ऊपर ही रखना, एट ही नीचे रखना, ठीक है। तो फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो आप देखो वन वन जा वन ऊपर आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइव टू जा टेन। यू कैन चेंज दिस आंसर इंटू अ डेसिमल वैल्यू एज वेल, ठीक है। तो होपफुली चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन जो अभी एकदम से दे दिया वेरीफाई करने को, इसमें क्या करना, वैल्यूज डालने। तो पहले मैं एलएचएस लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और फिर उसके बाद पावर माइनस वन। आपने एक्सपोनेंट पढ़ रखा है, माइनस पावर वन का मतलब होता है जो भी चीज आएगी उसे रेसिप्रोकल करना। वन है तो मतलब वो उसकी वैल्यू को तो चेंज नहीं करेगा, बट माइनस है तो वो उसे रेसिप्रोकल जरूर करेगा, ठीक है। नेगेटिव पावर होती है तो वो चेंज करता है। अभी आपको मैं आरएचएस में दिखा दूंगा क्या बोल रहा हूं। तो वैल्यू डाले सेवन अपॉन इलेवन डिवाइड ट्वेंटी टू अपॉन ट्वेंटी वन माइनस, यहां पे ब्रैकेट में माइनस वन। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब इधर देखो सेवन अपॉन इलेवन इंटू ट्वेंटी वन, ऊपर माइनस भी रख रहा हूं, नीचे ट्वेंटी टू की पावर माइनस वन, ठीक है। कुछ नहीं करा, डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड आया मल्टीप्लाई लगाया, राइट साइड वाले को रेसिप्रोकल करा, ठीक है। ओके ठीक है, तो अब कुछ कट रहा है नहीं, कुछ भी नहीं कट रहा, इवन पहले कट भी जाता तो अब नहीं कट रहा। मल्टीप्लाई करो, सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन, वन फोर्टी सेवन अपॉन ट्वेंटी टू, ट्वेंटी टू टू फोर टू है ना, टू फोर टू माइनस का की पावर माइनस वन। अब देखो ये माइनस जो है ये इसको उल्टा करने को मजबूर करता है इसे, 147 यानी जो भी चीज होगी उसे रेसिप्रोकल कर देगा वन। अब वन पावर लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो एलएचएस ये आया, देखते हैं क्या आरएचएस भी यही आ रहा है। आरएचएस राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, x की पावर दिस डिवाइड y की पावर दिस, तो x क्या है, x है सेवन अपॉन इलेवन की पावर माइनस वन डिवाइड, y क्या है माइनस ट्वेंटी टू अपॉन ट्वेंटी वन की पावर माइनस वन। तो पहले पावर को चेंज करता हूं, तो नेगेटिव है तो इलेवन अपॉन सेवन हो जाएगा की पावर वन। अब वन लिखना है नहीं लिखना है इट्स अप टू यू, माइनस ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी टू, ठीक है, की पावर वन। अब वन हटा दो, कोई ऐसा कोई रोल तो है नहीं कि वन को लिखना, क्योंकि वन से कुछ होगा नहीं, ठीक है। इलेवन अपॉन सेवन इंटू इसको रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा ट्वेंटी टू ऊपर और ट्वेंटी वन नीचे और माइनस यहां पे। आप इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस टू फोर्टी टू ऊपर आएगा और यहां आएगा वन फोर्टी सेवन, ठीक है। तो LHS equals to RHS, तो यहां पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वेरीफाई करना, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा पेशेंस रख के आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है, ज्यादा रश नहीं करना, ठीक है।
ठीक, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और बाकी के क्वेश्चंस भी आज ही करेंगे, ठीक है? तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है डिवाइड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस बाय दिस। अब देखो, इसका रेसिप्रोकल से इसको डिवाइड करना है, तो पहले भाई इसका रेसिप्रोकल तो निकाल लो, समझ में आया नहीं आया बात? तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन है, तो क्यों ना मैं इस फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करूं। सबसे पहले मैं अपने इजी पन करने के लिए मैं इस फ्रैक्शन को सॉल्व करता हूं, ठीक है? आपको जैसे यहां दिख रहा होगा कि यहां पे पहले इसको सॉल्व करना है, ठीक है? तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 2/5 × −10/3। तो कर सकता है, बिल्कुल, 5 से 2, 5 × 5, 5 × 10, 2 × 4, 4/3 का, ठीक है? तो 5 से 10 कर गया 2 टाइम्स में, 2 × 4 − 4/3 आपके पास आ गया। तो यानी ये वाली चीज, अब ध्यान से देखो मैं कौन सी चीज की बात कर रहा हूं, ये वाली, ये द रेसिप्रोकल ऑफ, तो पहले मैं वो लाइन लिखूंगा फिर आपको समझाऊंगा। तो अगर मैं इस लाइन को लिखूं द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 × −10/3, यही तो है, ठीक है? इसमें से मैंने ये वाला लाइन सॉल्व कर ली, तो क्या मैं इसी लाइन को दोबारा से रीराइट ऐसे लिख सकता हूं, द रेसिप्रोकल ऑफ −4/3। देखो ना, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं −4/3, तो इस पूरे थिएटर की जगह, इस पूरे नंबर की जगह 4/3 नहीं लिख सकता, और द रेसिप्रोकल ऑफ 4/3 क्या होता है, −3/4। यानी इस पूरे लाइन की जगह मैं इतना वर्ड लिख सकता हूं। तो अब ध्यान से देखो कि आपका क्वेश्चन कितना सुकड़ गया है, क्वेश्चन कितना कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है? तो इस लाइन द रेसिप्रोकल ऑफ, पहले देखो इसका मतलब है 4/-4/3, द रेसिप्रोकल ऑफ इस पूरे का मतलब है 3/4, तो इतना सुकड़ चुका है। अब जो दूसरी चीज है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी चीज क्या है, 1/2 − 1/3, तो भैया देखो सिंपल एलसीएम है, 6 एलसीएम आएगा, 2 के टेबल 6 का बात है 3 टाइम्स, 3 × 1 = 3 − 1 के 3 के टेबल 6 का बात है 2 × 2 − 1/6। तो आपने इसको जो सॉल्व करके लाया, यानी आपने अभी इसको सॉल्व करा, ठीक है, और इसका सॉल्व हो गया 1/6 आया, तो यानी इस पूरे की जगह भी एक नंबर आ गया। तो अब देखो मैं कितना क्वेश्चन को कितना छोटा बनाता हूं। आपका क्वेश्चन था डिवाइड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो इस पूरे की जगह क्या मैं −3/4 नहीं लिख सकता, बाय, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1/6, देखो, ठीक है? अब इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस डिवाइड लगाओ 1/6। अब डिवाइड हटाओगे तो मल्टीप्लाई आएगा, इसको चेंज कर लोगे 6/1, 2 से काट दो 2, 3 और −9/1, और यू कैन से −9 ओनली। तो होपफुली चीजें समझ में आई होंगी, किस तरीके से हो रही है वो चीजें क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप क्वेश्चन को तोड़ दो। भाई सीधी बात है, अंग्रेज इतने साल तक राज करके जगह से, एक सिंपल रूल से डिवाइड एंड रूल, ठीक है? तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं डिवाइड एंड रूल, और डिवाइड रूल लगाते हैं के साथ क्वेश्चन कैसा हो गया, बिकम वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस। अब देखो ये वाले दादा बाबा वाले क्वेश्चन है, हमारे मम्मी पापा पूछते हैं ना, जैसे जो दादा दादी बहुत सोचते हैं भैया वो बहुत ज्यादा मैथ्स पढ़ी उन्होंने, वो हम लोगों से क्या पूछते हैं, बेटा ऐसे कौन से नंबर हैं जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए, उनमें से अगर एक नंबर 2 है, ठीक, एक नंबर 2 है, उसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 10 हो जाए, ठीक, या दो नंबर का मल्टीप्लाई 10 है, एक नंबर 2 है, तो भाई सिंपल है, दोनों का मल्टीप्लाई 10 है, एक 2 है, तो ऑब्वियसली दूसरा नंबर क्या होगा, 5, 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, या डिवाइड करवा के चेक कर लो। तो वही चीज हम यहां करते हैं, तो एक मेथड, फर्स्ट मेथड मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है? लेट द नंबर बी एक्स, उस नंबर को जो हमें नहीं पता मैं उसे एक्स मान लेता हूं, तो हम क्या कर रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, तो एक्स का, या एक काम करता हूं टी मानता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई एक जैसे ही हो जाता है, टी इंटू द दूसरा नंबर क्या है, 1/5/12, दूसरा नंबर ये ना द प्रोडक्ट, ये तो दोनों का प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई, और दूसरा नंबर ये है 5/12, तो 5/12 और इन दोनों मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कितना आ रहा है, −35/18। ये चीज समझ में आई नहीं, ये क्वेश्चन को मैंने देख के लिखा है, दो नंबर का प्रोडक्ट 35/18 है, ठीक है, ये नंबर टी माना। अब जो मल्टीप्लाई में होता है यहां पे रेसिप्रोकल इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, या आप इसे बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी, ठीक है? ये 12 ऊपर चला जाएगा, यानी 35 × 12 हो जाएगा,
और ये जो 5 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो 5 इन द 5, 5 7 35, 6 के टेबल में काट सकते हैं, 6 2 12, 6 3 18, और नहीं कर सकता, t की वैल्यू कितनी है, -14/3, तो ये द नंबर इज -14/3। इफ यू वांट टू चेक, भाई मुझे चेक करके देखना है मेरा आंसर सही है, इमेजिन करो चार मार्क का क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, तो अगर चेक करना है तो एक नंबर आपका 5/12, दूसरा -14/3, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लो तो 2 6 2 7 और नहीं कर सकता 7 5 35 अपॉन 18, तो ये आ गया ना प्रोडक्ट, तो यस योर आंसर इज करेक्ट। सेकंड मेथड में क्या कहता है, जैसे हम लोग डिवाइड करके जो डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि अदर नंबर हमें पता होगा वो क्या होगा कि टोटल जो प्रोडक्ट आया ठीक है उसको डिवाइड कर लो आपको जो एक नंबर पता है उससे, ठीक है ये डायरेक्ट मेथड है, तो आपकी चॉइस आप किस मेथड से करना चाहते हो, आंसर विल बी द सेम -35/18 डिवाइड का सारे टाइम दिस 12/5 अगेन यू विल गेट 14/3 एंड द ट्रांसफर ऑफ दिस स्टेटमेंट। सो बेटा मैं आपको समझाना मांग रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आपको बस थोड़ा पेशेंस रखना और करना है, ठीक है। आप देख रहे हो कि आई एम डूइंग अ रियली हार्ड वर्क फॉर यू गाइज टू स्कोर अ गुड मार्क्स, ठीक है। सो इस वीडियो को जितने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो करो, और प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो उनको जरूर 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 देखना, ठीक है, दैट विल गिव यू एन आइडिया। ओके सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों कुछ और क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड -55/18 बी डिवाइडेड टू गेट -22/9, मतलब वो बोल रहा है कि इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि -22/9 मिल जाए, इसको किससे डिवाइड करूं, तो क्यों ना मैं जिससे भी डिवाइड करूं, मैं उसे मान लू p मान लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, मान सकते हो। सो -55/18 अब डिवाइड करता है मल्टीप्लाई आता है तो 1/p हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा, मैंने कहा था p अगर अकेला तो उसे चेंज कर लेगा। अब इसको क्या मैं इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जो अपॉन में 18 है ऊपर चला जाएगा, या p को यहां भेजो और इनको इधर लाओ, तो देखो p को इधर ले जा रहा हूं, तो -55/18 ऐसे ही है इक्वल ऊपर गया तो -22/p हो गया अपॉन 9, और ये 1 मल्टीप्लाई करवाओ मत करवाओ फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों भाई साहब को इधर भेज दो, तो माइनस से माइनस पहले काट दो भाई, एक काम तो कम हो, 55/18 × 9 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया, p यहां है, अब p की वैल्यू आ जाएगी, तो 11 2 11 5 9 1 9 2 सब कट गया, बचा 5/4 इज द आंसर। If you want to check कि भाई मेरा आंसर सही भी है या गलत है, तो भैया इसको इससे डिवाइड कर लेना, ये आंसर अगर आ रहा है तो yes your answer is correct, अगर नहीं आ रहा तो no obviously your answer is not correct, ठीक है। तो चेक आप अपने खुद से कर सकते हैं, कर लोगे ना, अरे बहुत सिंपल है भाई, करना ट्राई करना, ठीक है। ओके ये वाला थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले बोला हाउ लॉन्ग द पीस ऑफ द टेप इज 3/4 सेंटीमीटर, तो ये याद रखना ये सेंटीमीटर है, लॉन्ग कैन बी कट फ्रॉम द 1 मीटर, तो पहले से सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई एक बहुत लंबा तार है, यहां से यहां तक का बहुत लंबा तार है, और इसकी लेंथ कितनी है 1, इतना तो मैं से चेंज कर लू तो 175 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 175 इसमें से एक छोटा पीस कट कर रहे हो, ऐसा छोटा कितना है वो, इसको चेंज कर लो 3/4/7 को चेंज करोगे तो कितना लगा 7 3 21 25/7 सेंटीमीटर, इतना बड़ा था पीस, ऐसे कितने पीस बनाओगे भाई। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं देयर आर इमेजिन करो कि बॉक्स है उसमें 30 चॉकलेट्स है, कितने चॉकलेट्स है 30, ठीक है, और आपको उसमें से एक बॉक्स बनाना है छोटा जिसमें 5 चॉकलेट्स आएंगी, कितनी चॉकलेट आएंगी 5, हाउ मेनी, कितना बॉक्स है 30 का, एक बॉक्स में कितनी आ रही है 5, तो ऐसे कितने बॉक्स बनेंगे, दोबारा एक बड़ा बॉक्स है जिसमें 30 चॉकलेट्स हैं और एक बॉक्स में 5 है,
तो ऐसे कितने बॉक्स बन जाएंगे जिसमें 5 5 5 होंगी बताओ, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर, दैट मीन 6। तो वही चीज ना निकल, ये बड़ा वायर है, इसमें से छोटे वायर कट करने, भाई बड़े वायर को छोटे वायर से डिवाइड कर लो, यू विल गेट द नंबर। सो वही चीज हम यहां करेंगे, तो नंबर ऑफ वायर या नंबर ऑफ पीसेस इक्वल्स टू टोटल लेंथ डिवाइडेड लेंथ ऑफ वन पीस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। जब एक नंबर ऑफ पीसेस निकालने होते तो हम ऐसे ही करना पड़ता है, आप खुद देखो ना, मैं कहूं आपको 100 के 100 रुपीज में से 5 5 के सिक्के बनाने, तो आप कैसे करोगे, कितने सिक्के होंगे, 100 को 5 से डिवाइड कर लोगे वैल्यू से, तो देयर आर 20 कॉइंस, ठीक है। अगर मैं 10 की बात करूं तो 100 को 10 से डिवाइड करोगे, दैट मींस 10। अगर मैं 2 की बात करूं तो 100 को 2 से डिवाइड करोगे, दैट मींस 50। तो वही करना, टोटल लेंथ को एक पीस के लेंथ से डिवाइड करना, टोटल लेंथ कितनी है 175 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड, और कितनी दे रखी है 25/7 आपको गिवन है, तो 175 × 7/25 लिख सकता हूं। अब देखो 25 4 100 होता है सीधी बात, और 25 7 5 175 होगा, ठीक है ना, 7 7 49। सो हाउ मेनी पीसेस आर देयर, नंबर ऑफ पीसेस। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर ये तो गलत भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो कितना एक पीस कितना बन रहा है 25/7, इसको मल्टीप्लाई कर लो 49 से, 7 7 7 आ गया भैया 175 सेंटीमीटर जो ओरिजिनल वायर था। तो अगर आप नंबर ऑफ पीसेस को एक लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेते हो, अगर उसे टोटल लेंथ आती है, दोबारा एक पीस की लेंथ को नंबर ऑफ पीसेस से मल्टीप्लाई करते हो, और अगर उसे टोटल लेंथ आ जाए, क्या बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ वन पीस, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ पीस, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ पीस इक्वल टू टोटल लेंथ अगर आ रही है तो यस, और यहीं से तो फॉर्मुला निकला ये वाला, अभी मुझे नंबर ऑफ पीस चाहिए, तो ये चीज मल्टीप्लाई में तो जाकर डिवाइड में नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो होपफुली चीजें समझ में आई होंगी, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और ध्यान से उसको कॉपी करना, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर के डाउट्स पूछो, ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके बच्चों, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 12 में, द कॉस्ट ऑफ 5/3 मीटर ऑफ क्लोथ इतना दे रखा है, और 1 मीटर का कॉस्ट पूछा है। ये हम नॉर्मली बाजारों में जाते हैं तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है, और पूछता भी है कोई बंदा कि 5, ठीक है, 5/3 मीटर ऑफ क्लोथ जो है कॉस्ट कितना है उसका, ₹85/3। तो सबसे पहले क्यों ना मैं इसको आपका मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दूं, 5 3 15 15 + 1 16/3 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट कितना हो जाएगा इसका, रुपीज में ही है, 5 6 15 5 1 24 25 255, तो 256/3 हो जाएगा। अगर आप इसे करेंगे 255 आता है, 8 3 3 5 15 1 क्या 8 3 8 24 24 + 1 25 255 + 1 ऊपर जो न्यूमरेटर में होता है वो ऐड करना होता है। अब चाहिए 1 मीटर, तो 1 मीटर ऑफ क्लोथ, ये आपको सबको पता होना चाहिए कि जब एक का निकालना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड, गुड, जिन्होंने गैस करा वो डिवाइड बहुत सही गैस करा है, तो यहां पे डिवाइड अटॉर 256/3 × 3/16, तो 3 1 3 3 1 3, और 16 के टेबल में कब आता है, 16 16 256 होता है, तो 1 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट इक्वल्स टू ₹16, ठीक है। तो देखो एक सबसे बड़ी चीज जो होती है बच्चों, वो चीज एक समझो कि आपको ना क्वेश्चन करने से पहले आपको सोचना है, थोड़ा सा टाइम थोड़ा स्पेंड करना, नहीं समझ आ रहा उसे रीड करना है, ठीक है, और जब तक वो हो ना जाए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इतने टफ नहीं है, दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस, बस आपको थोड़ा सा टेम्परमेंट अपने अंदर रखना है, एंड जैसे मैंने अभी पूछा था क्या होगा, सो ट्राई टू गिव सम व्हाट कॉल्ड तुक्का, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है।
अगर वो सही बैठ रहा है तो रिमेंबर दैट तुक्का कि भाई वो क्या करके मेरे को आया था, एंड दैट तुक्का इज नाउ बिकम अ लॉजिक. इफ यू इफ इट गिव यू अ करेक्ट आंसर देन दैट तुक्का जो आपने ट्रायल मारा था दैट ट्रायल बिकम्स योर लॉजिक. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, जैसे कई साइंटिस्टों ने उन्होंने रैंडमली कुछ करा एंड इफ दे फाइंड समथिंग देन दे फाइंड द लॉजिक, ओके ये ऐसा कैसे हुआ. ठीक है, सो नॉट एवरी ट्रायल बिकम्स अ लॉजिक, बट यस देर आर सम ट्रायल देर आर सम तुक्का विच बिकम्स अ लॉजिक. सो दिस इज वन ऑफ द लॉजिक और तुक्का विच बिकम नाउ अ लॉजिक. ठीक है, तो अपने टेम्परमेंट के हिसाब से करो. ठीक है, धीरे धीरे वो इंक्रीज जरूर होगा, बट यू हैव टू गिव अ टाइम, उसे टाइम देना जरूरी है. अंटिल एंड कुछ नहीं होने वाला. सो आई हैव अ ट्रस्ट अपॉन यू कि आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं. डोंट ट्राई टू बी चीट इन एग्जाम. ठीक है, कोई फायदा नहीं होता उसे करने से, बट हाँ आप उस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई हाँ मैं अच्छे से करें. ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके बच्चों, ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज अ डेसिमल. तो ये चीज ना हम लोग छोटी क्लास से भी करते थे, क्लास फिफ्थ में सिक्स्थ में, ये हमने करा है कि भाई डिवाइड करो और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करो. ठीक है, फ्रैक्शन से वो डेसिमल होता था. अब यहाँ पे बस फ्रैक्शन को हमने स्पेशल नेम दे दिया रैशनल नंबर. सो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. वन यहाँ रखेंगे और फोर से उसे डिवाइड करेंगे. सो पता है सभी को वन फोर से नहीं हो सकता, पॉइंट लगाओ और पॉइंट से पहले वो जीरो लगवाते हैं. ठीक है, जिससे वो क्लियरली दिखे. तो यहाँ जीरो आ जाएगा और फोर टू जो एट. ठीक है, बचेंगे कितने, टू. पॉइंट लग चुका तो यहाँ पे जीरो आप एक एडिशनल लगा सकते हो, फ्री विल हो जाते हैं. फोर फाइव जो 20 एंड दिस, तो यानी 1/4 को मैं आपको लिख सकता हूं 0.25. और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि एक पॉइंट का ये एंड हो गया, तो इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, इसी के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं. वो दे रखा है 1/8, 1/8 तो वही 1/8. पॉइंट लगाया जीरो आया तो 8 × 1 = 8, 2 बचेगा 0 लगा सकते, 8 × 2 = 16, 4 बचा 0, 8 × 5 = 40. सो दैट मींस 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.125. ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है 5/4. ठीक, थर्ड 5/4 तो वही 5 यहां रखो 4 यहां लगाओ, 5 4 से हो सकता है 1 × 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो 0 आ गया, 4 × 2 = 8. ठीक है, बचेंगे 2, 0 लगा दो, 4 × 5 = 20. तो 5/4 को हम क्या लिख रहे हैं, 1.25. होपफुली समझ में आ रहा होगा, इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइड जो आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो. ठीक है, कई बार नेगेटिव भी होते हैं तो -9/40. सो 9 अंदर 40 बार, तो देख के घबराना मत, वो ऐसे कैसे होगा, माइनस को हटा दो, पॉइंट लगाओ 0, 4 × 2 = 80. ठीक है, 10 बचेगा, 0 अपनी तरफ से लगा दो, अगेन 80, 20 बचेगा, 0 लगा दो, और 4 × 5 = 200. ठीक है, तो ये कट जाएगा, यानी -9/40 को आप क्या लिख सकते हैं, 0 पॉइंट माइनस का 0.225. क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से आपको करना है. एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं, फिफ्थ पार्ट. ठीक है, वो कह रहा है आपका 35/16. तो 35 अंदर लिखो, 16 बाहर लिखो. ठीक है, 16 × 2 = 32. ठीक है, बचेंगे कितने, 3 बचेगा, पॉइंट लगा दो 0, 16 × 16. ठीक है, 14 बचेगा, ठीक 0 लगा दो. ठीक है, 16 × 8 = 8, 128 बचेगा 2, 1 है ना, 12, 120. ठीक है, 16 × 7 = 112, आपका कितना बचेगा, 8, 0, और 16 × 5 = 80. तो ये आपके पास आंसर आएगा, यानी 35/16 को आप लिख सकते हैं 2.1875. ठीक है, तो इट्स वेरी इजी. आप लोगों ने ये कन्वर्जन्स करे हैं, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बट हाँ देर आर सम कन्वर्जन. इन सब में आंसर टर्मिनेटिंग है, क्योंकि अगर आप ध्यान दो इन सब के डिनोमिनेटर 2 और 5 के हैं. देखो 4 2 × 2 हो सकता है, 8 2 × 2 × 2 हो सकता है. ठीक है, 4 2 × 2 होता है,
42 इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव होता है, तो 2 और 5 का ही मल्टीपल है, और 16 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। तो अगर 2 और 5 के मल्टीपल होते हैं तो आपको एक टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा, यानी एक फिक्स डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू मिलेगी। बट अगर 2 और 5 के अलावा कोई और डिनोमिनेटर में कोई और फ्रैक्शन वाला नंबर आ जाता है, 3, 7, 5, 11, 13, 17, तो वो नंबर आपको टर्मिनेटिंग नंबर ना ले जाएंगे बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उनका कोई एंड नहीं है। अब जिन नंबर का एंड नहीं होता, इनमें भी दो कैटेगरी होती है, एक जिनमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिपीटेशन को अलाउ करते हैं, और एक जो रिपीटेशन को अलाउ नहीं करता। तो जो रिपीटेशन को अलाउ करते हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि डेसिमल दो तरीके के हैं, ठीक है, डेसिमल भी दो तरीके के हैं। पहला है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। अभी जो हमने बात करी है ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग है, एंड हो रहा है इन सबका, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर को क्या होना चाहिए, 2 और 5 के मल्टीपल्स में ही होना चाहिए, या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 बस, और कुछ नहीं। नॉन टर्मिनेट 2 और 5 के छोड़ के सारे। नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन होती है, वन इज योर रिकरिंग, रिकरिंग, और अदर इज नॉन रिकरिंग। अब ये रिकरिंग और नॉन रिकरिंग क्या है, रिकरिंग का मतलब होता है जैसे 0.33333 रिपीट हो रहा है, 0.444 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ चलता है, एंड नहीं है बट कुछ भी चल रहा है, मतलब कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई एक सीक्वेंस नहीं मिल पा रहा, तो हम उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। बट नॉन रिकरिंग और रिकरिंग में क्या है, ये दोनों ही एंड नहीं होते, बट रिकरिंग में हम बार लगा के उसको सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा आंसर आ रहा है, मान लो जैसे मेरा आंसर आ रहा है 0.33123312 और ये चलता जा रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 3312 बार। इसका मतलब ये टर्म्स, चारों टर्म्स अपने आप को रिपीट कर रही होंगी, समझ में आ रही है बात। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में देखो डिनोमिनेटर क्या है, 9। क्या ये 2 का मल्टीपल में आता है, ऑब्वियसली नॉट। क्या ये 5 का मल्टीपल में आता है, ऑब्वियसली नॉट। तो ये कुछ अलग है, तो ऐसे में क्या करना है, वही सेम चीज। अब अगर आप डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाना पड़ेगा, डिवाइड नहीं होगा, तो 9 2 18, 2 बचा 0 लगाओ, 9 2 18, तो ये चीज तो चलती जाएगी ना भाई, ये तो एंडिंग ही हो रहा। तो 2/9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.2222, ये चलेगा। तो यानी क्या कर रहा है, 0.2 अपने आप को रिपीट करता है, वी पुट बार की भाई 2 अपने आप को रिपीट करेगा। तो 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो बार में, या जैसे क्वेश्चन ने बोला तो उसको लिखने के लिए आपको ऐसा कर लेना पड़ेगा, 0.222 4 डेसिमल प्लेस तक लिखना, चौथे डेसिमल प्लेस को अंडरलाइन, तीसरे को अंडरलाइन और चौथे को सर्कल। चौथा या 5 से 5 से बड़ा है, नहीं है, तो इसको ऐसे एज इट इज का एज इट इज रहने देंगे हम, समझ में आई बात। नहीं, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो जिसे आपने अंडरलाइन करा, यानी थर्ड डेसिमल प्लेस बोला तो उसे अंडरलाइन करा, इसमें एक बढ़ा देंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा तो मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/17, ठीक है, 3 अंदर डालो, 17। ये बहुत देर के बाद, करीब करीब कितने डेसिमल प्लेसेस हो जाते हैं, करीब करीब 1, 2, 3, 8, 12, 15 डेसिमल प्लेस के बाद जाके ये डेसिमल रिपीटेशन को करता है। तो 17 अंदर 17, सबसे पहले तो यही होगा, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। इसका 13 बचेगा, 0 लगा दो, ठीक है। 17 7 जा 119, ठीक, 119 बचा, 11, 0 फिर से लगा दो तो क्या आएगा, 17 6, ठीक, क्या आएगा, 1102 माइनस करो, 8 आएगा, 0 लगा दो, 17 6, ठीक है, 17 4 जा 68, और मेरा इतना काम हो गया, बस मुझे इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 3/17 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 0.1764 करने को, अगर आप आगे करोगे तो तब जाके एक रिपीटेशन मिलेगा, बट मैं कह रहा हूं यहां पर अंडरलाइन करो, इसको गोला मारो। अब बताओ ये 5 या 5 से बड़ा है, नहीं, तो इसको एज इट इज रख दो, 0.176 3/17, क्लियर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बाकी क्वेश्चंस आप लोग इस एक्सरसाइज के खुद कर लोगे, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, नहीं, एक टाइप और करा देता हूं, जैसे 6/ ये वाला, ठीक है, ये वाला और करा देता हूं, फोर्थ वाला, ठीक,
6 4 अपॉन 7। क्यों बता रहा हूं अब ध्यान से देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन में कई टीचर्स कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन को इन प्रॉब्लम में चेंज करो, मैं कहता हूं मत करो, 4 अपॉन 7 पकड़ो फ्रैक्शन बस। अब तो कहोगे ये जो 6 है उसका अभी बताऊंगा, पॉइंट लगाओ जीरो लगाओ, तो 7 5 35 बचेंगे कितने, 5 5 बचा फिर 0, 7 7 14 बचेंगे कितने 1 0, 7 7 3 0 7 4 28 तो आ गया, मतलब अभी 2 आएगा बट 4 डेसिमल प्लेस तो हो गया ना, मेरा काफी है काम। तो यानी 6 4 अपॉन 7 को एक्चुअल में हम लिख सकते हैं 6 प्लस 4 अपॉन 7, समझ में आया। जो नॉर्मल पार्ट है अलग लिख लो, फ्रैक्शन को अलग लिख लो, 6 तो ऐसे ही रहेगा, क्या मैं इस फ्रैक्शन को ऐसे नहीं लिख सकता, 0.6 प्लस 0.5714 और ये चलेगा। तो इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो 0.06 हो गया, 5714। अब मैंने कहा था 3 को अंडरलाइन करो, उसके बाद 5 से छोटा ही है तो आंसर विल बी 6.571, दिस विल बी योर आंसर। तो जरूरी नहीं आप इसे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करके डिवाइड करो, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। होपफुली इस चीजें समझ में आई होंगी, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारा रह गया है, या इस चैप्टर का बोले लास्ट क्वेश्चन रह गया है जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वो एक लास्ट है, स्कॉलर्स के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा संडे को, उसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे जो कि 9th क्लास के यूजफुल के लिए है, बट बाद में, अभी फिलहाल के लिए इतना। इससे आप लोगों को काफी अच्छा बेनिफिट्स मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और रहता है जिसमें हम डेसिमल को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, हम पहले क्वेश्चन से करते 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 स्लोली लास्ट क्वेश्चन तक आ गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज की कमी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई क्वेश्चन में डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ प्लीज। बच्चों आप बताते हो या आप प्यार दिखाते हो, दैट रियली एनकरेजस, ठीक है। मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है उससे कि मन करता है और कुछ करो बच्चों, ठीक है। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, सो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले पॉइंट के लिए आप समझना होगा कि 0.84 जब पॉइंट हटाते हैं तो 1 आता है, पॉइंट के कितने नंबर है 2, तो 2 0, तो वी कैन राइट 84 अपॉन 100, और 2 से कट करो 42 अपॉन 50, 21 अपॉन 25, सो 21 अपॉन 25 इज योर आंसर, दिस इज योर फ्रैक्शन, ठीक है। इसको चेंज करें तो 0.015 अपॉन पॉइंट हटाओगे तो 1 आएगा, 1 2 3 0, तो 15 अपॉन 1000, 5 3 15 200, तो 3 अपॉन 200 इज योर आंसर, ठीक है। ये वाला होमवर्क से कर लेंगे, गुड। -129.6 तो पॉइंट एट ऑफ 10 आया, तो -129.6 अपॉन 10, तो काट दो 2 से 6 4 8 5, तो -6 4 8 अपॉन 5 इज योर आंसर, और 0.0008 अपॉन 0.8 तो 1 आएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 5 द है ना, 2 5 10, और 0 0 0, 2 2 4 बचेंगे 5 0 0 1 1 2 5 0, तो आंसर विल बी 1 अपॉन 2 5 0। सो टुडे वी एंड दिस चैप्टर, अगेन मैंने बोला स्कॉलर बच्चों के लिए मैं एक अलग बनाऊंगा, 9th का थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा, ठीक है। इस अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। और बच्चों मैं एक चीज बोलना मांगूंगा, बी लॉयल टू योरसेल्फ, ठीक है। योर पेरेंट्स आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर योर स्टडीज, सो आप भी बराबर से मेहनत करो, एंड वन डे यू विल ऑल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड स्टडी हार्ड।